दोस्तों आप सभी साउथ की फिल्में तो देखते ही होंगे जिसमें आपको कई दमदार कलाकार देखने को मिलते होंगे जो अपने एक्टिंग, एक्शन और रोमांस से दर्शकों को अपना दीवाना बना लेते हैं। उन्हीं कलाकारों में से एक कलाकार है रामचरण, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय, डैशिंग लुक और एक्शन से साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी फेम हासिल किया है, जिसकी वजह से आज ये साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी इनकी प्रोफेशनल लाइफ से तो वाकिफ होंगे ही, पर क्या आप इनकी पर्सनल लाइफ यानी कि इनके सास ससुर और ससुराल के बारे में जानते हैं कि इनके ससुराल में कौन कौन हैं और वो क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर नहीं तो फिक्र ना करें, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको साउथ के मशहूर एक्टर रामचरण के सास ससुर और ससुराल से वाकिफ करवाने वाले हैं। अगर आप भी इनके रियल लाइफ सास ससुर और ससुराल से वाकिफ होना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता रामचरण ने लव मैरिज की है उपासना कामिनेनी से, जिनसे शादी करने के बाद ये उनके घर के दामाद बने और उनके घर वाले, इनके ससुराल वाले और इनके ससुराल में इनकी वाइफ को मिलाकर 5 सदस्य हैं, जिनमें इनकी वाइफ, सास ससुर, एक साली साहब और एक साली साहिबा शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं इनके ससुराल के मुख्य सदस्य यानी कि इनके ससुर मिस्टर अनिल कामिनेनी की, जो कि KEI ग्रुप के फाउंडर है, साथ ही अपने इस प्रोफेशन में काफी सक्सेसफुल भी हैं। वहीं अगर बात करें इनकी सास यानी शोभाना कामिनेनी की, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट और अपोलो अस्पताल की वाइस चेयरपर्सन भी है, जिसके चलते इनके साथ ससुर लाइमलाइट में बने रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अपने सास ससुर के साथ रामचरण का बॉन्ड एक बेटे की तरह है। ये अपने सास ससुर का ख्याल बिल्कुल अपने माता पिता की तरह रखते हैं, उन्हें काफ़ी मान सम्मान देते हैं, साथ ही उनके साथ कभी कभार नज़र भी आ जाते हैं। सास ससुर के बाद बात करते हैं इनके साले साहब और इनकी साली साहिबा की, तो इनके साले साहब जिनका नाम पुआंश कामिनेनी है, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है, और इनकी साली साहिबा जिनका नाम अनुष्पाला, जो पेशे से एक बिजनेस वुमेन है। आपको बता दें कि रामचरण की बॉन्डिंग इनके साले साहब और साली साहिबा के साथ काफ़ी अच्छी है, साथ ही इनके बाकी रिलेटिव्स के साथ भी अच्छे संबंध है। अब अंत में बात करते हैं इनकी और इनकी लव स्टोरी की। तो रामचरण उपासना को बचपन से जानते हैं, ये दोनों साथ में ही स्कूलिंग किया करते थे, जहां ये फ्रेंड्स बने। फिर कॉलेज तक आते आते इन दोनों की ये फ्रेंडशिप लव में बदल गई, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना, साथ में घूमना फिरना शुरू कर दिया और काफ़ी साल तक एक दूसरे को डेट किया और एक दूसरे इसके साथ रिलेशनशिप में भी रहे। जब इनका ये रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग हो गया और उन्हें लगा कि इन्हें शादी कर लेना चाहिए, तो इन दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला कर लिया और अपनी फैमिली को अपनी इस रिलेशनशिप के बारे में बताया और इनकी फैमिली ने भी इन दोनों को और इनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद दोनों की फैमिली की मौजूदगी में सभी बड़ों के आशीर्वाद के साथ काफ़ी धूमधाम से 14 जून 2012 को द टेम्पल ट्री फार्म हाउस चेन्नई में शादी कर ली। तो दोस्तों आपको रामचरण के सास ससुर और ससुराल से रूबरू होकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।